एक वीक में आपको काले प्राइवेट पार्ट्स और काले बट एरिया से बिल्कुल एकदम गोरा बना देगा। उसके लिए आपको चाहिए एक पैकेट इनो, उसके अंदर आप ऐड करिए ब्लीच एंड कोलगेट, इन तीनों को मिक्स करके अप्लाई कर लीजिए एंड वन वीक के बाद आपको मिलेगा काला झुलसा हुआ इन्फेक्शन से भरा हुआ प्राइवेट एरिया एंड बट एरिया। गाइज प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस काइंड ऑफ रेमेडीज जो कि ऑनलाइन और यूट्यूब वीडियोज में इतनी ज्यादा वायरल हो रही है और हम लोग उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके अप्लाई कर ले रहे हैं। हे गाइज व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो हम इंडियंस की ना मेंटालिटी यही है, उसमें पिंपल डार्क स्पॉट्स कितनी भी पिगमेंटेशन हो बट अगर वो गोरी होगी ना तो हम उसी की तरफ जाएंगे, हेल्दी स्किन को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और इसी का फायदा उठा के जितनी भी ये ब्यूटी मार्केट है ना वो हम लोगों को उल्लू बनाती हैं और प्राइवेट एरिया को लाइट करने के लिए इतनी सारी चीजें निकालती रहती हैं जिसपे हम लोग हजारों रुपए फूंक देते हैं। बट नॉट एनी मोर, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी DIY रेमेडी जिसको अगर आपने यूज कराना अपने प्राइवेट एरिया के ऊपर, बट एरिया के ऊपर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल काले से एकदम गोरा हो जाएगी, बट ऑफकोर्स एक या दो शेड वो लाइट जरूर होगी। इसके साथ साथ जब हम पैदा हुए थे जो हमारा ओरिजिनल स्किन टोन था उसको वो वापस लाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो रेमेडी है ना ये डेफिनेटली जैसे कि आपको बताया कि एकदम काले से गोरा नहीं करेगी, बट ऑफकोर्स एक या दो शेड लाइटन जरूर करेगी। इसको आप अपने प्राइवेट एरिया के पास, बॉल्स एरिया पे, बट एरिया पे, इनफैक्ट जो आपकी डार्क नेक, डार्क अंडर आर्म्स, कोहनी, घुटने, जितने भी डार्क बॉडी पार्ट्स है ना उस पे भी अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल सेफ है। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दही, इसके अंदर हमें ऐड करना है थोड़ी सी कॉफी, आधा नींबू का जूस एंड पिंच ऑफ हल्दी, दैट्स इट। इसको मिक्स करके आप पेस्ट बना लीजिए एंड इसको आप अपने प्राइवेट एरिया के ऊपर, बट एरिया के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लो, नेक पे, कोहनी पे, डार्क अंडर आर्म्स पे, घुटनों पे, जो जो आपके एरिया आपके शरीर में लगता है कि डार्क हैं आपको उनको लाइट करना है ना उस पर अप्लाई कर लो इजीली एंड लीव इट फॉर 10 to 15 मिनट्स। अगर आपने प्राइवेट एरिया और बट एरिया पे अप्लाई किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो कि ना कमोड पे बैठ जाओ, आराम से अपना शो देखो कोई भी 15 मिनट के लिए एंड जैसे ही ड्राई ऑफ हो जाए आप पानी से रिंस कर लो या फिर गीले कपड़े से इसको पोंछ लो, यू विल सी इमेंस रिजल्ट इमीडिएटली। और अगर आपने एक हफ्ते तक यूज कर लिया यू विल सी कि आपके प्राइवेट एरिया और डार्क जितने भी बॉडी पार्ट्स है ना वो काफी हद तक लाइटन हो चुके हैं। तो ये तो थी हमारी रेमेडी, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि हमारे शरीर के कुछ बॉडी पार्ट्स को बहुत ज्यादा डार्क बना देते हैं, तो उनको भी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज कि हम हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स को बहुत देर के लिए अप्लाई कर लेते हैं अपने प्राइवेट एरिया पे या फिर बॉडी पे, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा केमिकल की वजह से खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, उस पर रेडनेस और धीरे धीरे वो डार्क पड़नी शुरू हो जाती है। हेयर रिमूवल प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, उनको एक सर्टेन टाइम के लिए ही अपने शरीर पर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट इज हम लोग अभी भी अपने प्राइवेट एरिया को अच्छे से धोते नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है कि अभी हम नहाएंगे ना तो साबुन नीचे चला जाएगा और अपने आप प्राइवेट एरिया धुल जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा लोग साबुन तक अप्लाई करते हैं विच इज़ टोटली रॉन्ग। साबुन का pH लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमारे प्राइवेट एरिया जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका pH लेवल बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो जैसे ही हम साबुन अप्लाई करते हैं ना उन पे रैशेज और इचिंग ये सब शुरू हो जाती है जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डार्क पड़ने शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग सोप एंड इन्वेस्ट इन ए गुड इंटीमेट वॉश। बट मार्केट में इतने सारे इंटीमेट वॉशेज अवेलेबल हैं, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरे टॉप 6 इंटीमेट वॉश। फर्स्ट इज पी सेफ का इंटीमेट वॉश, ये मैं ना काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आई रियली लव इट, क्योंकि पी सेफ से मेरा बहुत ही पुराना नाता है, मतलब कि मैं इसके इंटीमेट वाइप्स भी यूज़ कर चुका हूँ, इंटीमेट वॉश भी यूज़ कर चुका हूँ एंड मैंने इसके 2 से 3 बॉटल यूज़ करे हैं पिछले कुछ सालों में एंड आई टोटली लव इट। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है एंड इट्स टोटली सेफ फॉर यूज़। नेक्स्ट इज अर्बन गबरू का इंटीमेट वॉश, ये ब्लू से कलर में आता है एंड साथ साथ इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको एक अच्छा महकने वाला, आपके प्राइवेट एरिया से बहुत गंदी बदबू भी आती है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, साथ साथ ये केमिकल फ्री है। नेक्स्ट इज नाम्या का हल्दी एंड चंदन इंटीमेट वॉश, हल्दी एंड चंदन जो होते हैं ना वो आपके प्राइवेट एरिया को थोड़ा सा ब्राइटन अप करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आप ये अप्लाई कर लोगे एवरीडे बेसिस में तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज स्किन एलिमेंट का मेंस इंटीमेट वॉश, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें भी जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है बट एट द सेम टाइम ये केमिकल फ्री है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, साथ साथ ये बहुत ज्यादा सस्ता भी है। नेक्स्ट इज मैन मैटर्स का स्वैश इंटीमेट वॉश, ये मेरे पास ना सबसे पहला इंटीमेट वॉश था जो मेरे पास प्रमोशन के लिए आया था एंड आई टोटली लव्ड इट, क्योंकि मैंने बहुत ही टाइम तक इसको यूज किया था। एंड लास्ट वन इज मार्स बाय GSC का इंटीमेट वॉश, ये भी केमिकल फ्री है, ये बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है, मैंने भी इसके काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, फेस वॉशेज एंड शैम्पूज, बट इंटीमेट वॉश इसका सबसे बेस्ट है, साथ साथ ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने अमेजोन से लिए हैं, अमेजोन ग्रेट फ्री
फ्रीडम सेल किक स्टार्टर डील भी चल रही है, क्योंकि 2nd to 4th August तक है, जिसमें आपको 50-80% तक सारे टॉप फैशन एंड ब्यूटी ब्रांड्स में ऑफ मिल जाएगा। सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, मेक श्योर यू चेक इट आउट। अब हमने इंटीमेट वॉशेस तो ले लिए, लेकिन हम में से कई सारे लड़कों को ये भी नहीं पता है कि हमें अपने प्राइवेट एरिया को कैसे धोना चाहिए, जिसकी वजह से चाहे जितना आप महंगा इंटीमेट वॉश यूज कर लो बट फिर भी स्मेल आएगी। तो प्राइवेट एरिया को धोने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब कभी भी आप अपने प्राइवेट एरिया को धोएं तो उसके ऊपर थोड़ा सा इंटीमेट वॉश ले लीजिए, एंड जो आपकी फोर स्किन है उसको आप पीछे की तरफ करिए, अगर वो अनकट नहीं है तो उसको पीछे की तरफ पुश करने के बाद अच्छे से इंटीमेट वॉश को अप्लाई कर लो। पानी से धोने के बाद फोर स्किन को वापस से आगे की तरफ पुश कर दो। ये है सबसे बेस्ट तरीका अपने प्राइवेट एरिया को धोने का। ये सारी चीजें आपने फॉलो करी ना तो डेफिनेटली आपके प्राइवेट एरिया पे डार्कनेस की प्रॉब्लम, बट एरिया के अराउंड डार्कनेस की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन